ऐसा ही तो होता है लव मैरिजेस में, ये लड़कियां लड़कों को घर वालों के खिलाफ कर देती हैं। फिर तो ये बात तुम पर भी लागू होती होगी। ये भाई क्या कम थे जो अब्बू ने भी रिदा की हमायत करना शुरू कर दी है। मुझे तो हैरत इस बात से है कि उन्हें अपनी औलाद से ज्यादा ये रिजा प्यारी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस लड़की ने इन दोनों बाप बेटे पर कोई अमल करवा दिया। दोनों उसी की जबान बोलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अब वो हमसे बदजन हो गया और भाई भी। अभी भी ना ये भाई को हमारे खिलाफ बातें कर रही होगी, कान भर रही होगी और भाई आराम से बैठ के सिर्फ हमारे खिलाफ बातें सुन रहे होंगे। ऐसा ही तो होता है लव मैरिजेस में, ये लड़कियां लड़कों को घर वालों के खिलाफ कर देती हैं। फिर तो ये बात तुम पर भी लागू होती होगी। यानी खाला जान को तुम्हारे बारे में जो भी शिकायत थी बिल्कुल ठीक थी। तुमने जीशान को उनके घर वालों से दूर किया था, उनका घर बर्बाद करने में तुम्हारा ही हाथ था। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो? सोच समझकर बोला करो। सोचने समझने की जिम्मेदारी हम सब पर लागू होती है, मुझ पर, इस पर और आप पर भी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बीवी से इस तरह बात करती। अच्छा तो ये कहो ना कि बीवी के भड़काने में आके माँ को और बहन को बातें सुनाने आए हो तुम। मैं आप लोगों को कोई बातें सुनाने नहीं आया, बल्कि ये समझाने आया हूँ कि रिदा अब इस घर का फर्द है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी आपकी और आपकी बेटियों की। और मैं आइंदा उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपना रवैया ठीक कर लें, वरना जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। क्या मेरा बच्चा हाथ से? सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा खुद है?